देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था। पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकाल कर सोती थी। हमने पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिवमहा पुराण की कथा में पंडरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीजें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की विरल भक्ति पाना है, जहां जगह मिल जाएगी वहां बैठ जाएंगे, हमें जहां जगह प्राप्त हो जाएगी वहां बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं हो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहां तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, यहां रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ। दो बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गोरम हो, तब उस भूमि को नमन कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी, स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गोरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज्यादा ठंडा नहीं। बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है, जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन
भटिंडा वालों के इस पवित्र समझ लो, वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए एच हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुँचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा वो, दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति हो। श्री शिवाय नमस्तु, तुम्हारा भरोसा दृढ़ी दृढ़ी। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुराकर भाग लिया, कीमती सामान लेकर कथा में ना जा। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध गुरु, शुक्र, शनि, इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और 1 बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती है। छोड़कर नहीं, कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना, मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो, हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो।